Welcome to another episode of Tuesday Talks. I am Iftikhar Ahmed, the editor of online art newspaper Abir Pothi. Today we have Sumit Kumar with us, who is a New Delhi-based cartoonist and the founder, or what we like to call the father of Bucker Max. Bucker Max makes comic strips, mascots, animated films, wall murals, and a lot more. Their award-winning web comics and YouTube shorts have been optioned by media houses, and they also publish their top-performing web comics in print. Some of their titles are Amar Bari, Tomar Bari, Naxal Bari, The Itch You Can't Scratch, and Bucker Max Offline. Moreover, they conduct storytelling workshops at their Delhi studio for different companies and in educational institutes and cafes all across the nations. So let's welcome Sumit Kumar. Sumit, hello. कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार. तुम बताओ कैसे हो? बहुत सही, बहुत सही. First things first, क्या मतलब है बकर मैक्स का? बकर मैक्स का मतलब है मैक्सिमम बकर. मतलब बकर मींस टू बुलशिट, तो मैक्सिमम बुलशिट. अच्छा, तो ये आइडिया कब आया आपके दिमाग में एंड कैसे स्टार्ट हुआ? अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. तो बेसिकली मैं न्यूज लॉन्ड्री के लिए कॉमिक्स बना रहा था, एंड ये कॉमिक्स थी जो आमर बाड़ी तो उमर बाड़ी नक्सल बाड़ी है, कश्मीर की कहानी है. ये कॉमिक्स थी जो कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में थी, एंड बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जब आप कुछ बनाते हो तो बाहर जो आप पढ़ते हो उसका 20% निकल के आता है, तो 80% अंदर ही रह जाता है. और जब आप लंबी कॉमिक्स बनाते हो तो हाथ वाथ भी दुखता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आप खूब ड्रॉ कर रहे हो. मतलब आप 160 पेज 300 पेज ड्रॉ करना, राइट? तो उस टाइम तक मैं काफी ऐसे थक सा गया था, परेशान हो गया था. तो फिर आफ्टर नक्सलबाड़ी आई थॉट आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक, तो आई टुक अप अ जॉब एट एन एड एजेंसी. बट आई वॉज वरीड के ये एड एजेंसी के काम में मैं कॉमिक बनाना ना भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे बकर मैक्स शुरू किया एज अ वेब कॉमिक. एंड आई डिसाइडेड कि मैं हर हफ्ते एक कॉमिक बनाऊँ, एंड दो साल मैंने उस एड एजेंसी के साथ काम किया. और उन दो साल में जस्ट दैट रेजिमेंट के मैं हर हफ्ते एक कॉमिक बनाऊंगा, जो मैं हमेशा नहीं कर पाता था, बट बस उसने सॉर्ट ऑफ मेरे को सस्टेन किया वो दो साल. एंड हाँ, दो साल के बाद देन आई फेल्ट लाइक नहीं यार, पूरा टाइम कॉमिक्स और एनिमेशन ही करना है. और हाँ, उसके बाद से मैं यही कर रहा हूँ. एंड वही, आई लेफ्ट माई जॉब, टर्न बकर मैक्स फुल टाइम. उससे पहले भी मैं फुल टाइम कॉमिक्स कार्टूनिंग करता था, बीच में दो साल बस ब्रेक लिया था. तो हाँ, उसके बाद से फिर इट हैज बीन बकर मैक्स डे इन डे आउट, एंड it is going to be Bucker Max also till the day I die. Well, it's great yaar, ye jaan ke ki 2 saal tak aapne apni creativity ko zinda rakha. And kya message dena chahenge aise logo ko jo job kar rahe hain 9 to 5 but creative hai aur chahte hain nikalna but nahi nikal pa rahe hain, kya bolna chahenge? Ha, matlab kabhi nahi nikal sakte, naukri karte raho, achhi gaadi सोचो कौन सी ले सकते हो. MG की गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, वो लो. बढ़िया सी जगह कोई अच्छा सा फ्लैट लो और उसके पैसे भरना शुरू करो. माँ बाप भी देखे, उन्हें भी अच्छा लगे औलाद कुछ ढंग का कर रही है, इतनी मुश्किल से उन्होंने तुम्हें पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है. तो उधर उस जगह में फंसे रहो, निकलो मत. और हाँ, क्योंकि निकलोगे तो मेरे जैसे लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो जो टैलेंटेड लोग जो नहीं निकल रहे हैं उनकी वजह से मेरे जैसे एवरेज लोग सक्सेस, मतलब पैसे कमा पा रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत सारे टैलेंटेड लोग हो जो नहीं निकल रहे हो, तो तुम निकलोगे. जैसे एवरेज लोगों को सर्वाइव करने के लिए जरूरत है कि तुम लोग अपने आप पे जितनी EMI लाद सकते हो लाद लो, और हर हफ्ते Amazon के 10 डब्बे मंगाओ और उन डब्बों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करो. तो हाँ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम फंसे रहो, बस इतना ही हम्बल होना है लाइफ में. हाँ. तो सुमित, ये बताइए कि अभी इंडिया के कॉमिक सीन में क्या चल रहा है, लोग किस टाइप की स्टोरीज पढ़ना पसंद कर रहे हैं
और आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लोग किसी एक तरह की स्टोरी पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बट हाँ मोस्टली जो कॉमिक्स आजकल बन रही है, भी नहीं बोलूंगा मैं, बन रही थी, वो मोस्टली इंस्टाग्राम पे बन रही थी, एंड लोग वो 10 पैनल्स की कॉमिक्स को बनाकर डाल रहे थे. दैट वाज द फॉर्म फैक्टर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग. बट व्हाट हैज हैपेंड इज के जब से वो रील्स आई हैं, तो जो ऑनलाइन कॉमिक्स का स्पेस है उसमें रील्स जस्ट हैव डिस्ट्रॉयड आई थिंक एवरीथिंग, एवरीबडीज लाइफ इन जनरल. तो इट हैज अफेक्टेड कॉमिक मेकिंग ऑल्सो. सो लॉट ऑफ पीपल हु मेक कॉमिक्स और कार्टून्स, दे आर ट्राइंग टू लर्न एनिमेशन बिकॉज दैट वर्क वर्क्स विद रील, और वट दे आर डूइंग इज दे हैव लर्न्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, और अपने कॉमिक की यू नो स्टिल्स को डाल डालकर उसमें म्यूजिक लगाकर दे आर डूइंग ऑल ऑफ दैट, विच इन अ वे इज सैड ऑल्सो, बट इट इज गुड ऑल्सो बिकॉज दैट टेल्स यू के मतलब यू कांट मेक योर करियर डिपेंडेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज दीज प्लेटफॉर्म्स विल टेक एनी कॉल दे वॉन्ट एनी डे. मतलब आज उनको अपने प्रॉफिट के लिए रील्स समझ आ रहे हो, रील्स करेंगे. कल वो सुबह उठेंगे, उनको पता चलेगा कि मतलब लैपटॉप उसको मोबाइल को लेके सर पे मारने पे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो नया इंस्टा सर पीटो आ जाएगा, तो सर पे लैपटॉप मारना पड़ेगा आपको परफॉर्मेंस के लिए. तो बेसिकली यू शुड नॉट प्ले देयर गेम एट ऑल. आपको आप खुद अपने आप जहां आपको ठीक लगता है उस फॉर्मेट में कॉमिक्स को बनाओ. तो बेसिकली इट ऑलवेज पेज ऑफ टू जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनर, इंक्लूडिंग उन प्लेटफॉर्म्स को भी आप यूज करो रादर देन वो आपको यूज करें. तो राइट राइट हमने शुरू से वही किया है, हमको जो स्टोरी जिस साइज की लगती है हम उस साइज की बनाते हैं. हम सब कुछ अपनी वेबसाइट पे रखते हैं bakermax.com पे, और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बस एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज करते हैं. तो जब ये रील में ट्रांजिशन भी हुआ तो हमारी लाइफ में कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ा, क्योंकि इंस्टाग्राम वॉज नेवर आर ब्रेड एंड बटर. तो मोस्टली ये, उसके अलावा जो प्रिंट कॉमिक्स है वो लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं, और हमारी कॉमिक्स थोड़ी सी इस्टेब्लिश्ड है तो उन्हें बेचना इजी होता है, बट छोटे छोटे कॉमिक्स फेस्टिवल हो रहे हैं वहाँ लोग छोटी छोटी कॉमिक्स लेकर आते हैं, बट बेसिकली उनमें से कुछ ऐसे लगता है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्रिंट कर दिया. तो पर कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉमिक्स बना के लाते हैं, तो कॉमिक कॉन पे भी थोड़ा बहुत, कॉमिक कॉन पे भी ज्यादातर टी शर्ट वगैरह वाले लोग आते हैं, बट कॉमिक्स भी आ रही हैं, लोग उनको खरीद रहे हैं. मतलब हमारी सारी कॉमिक्स बिकती है जो हम जाते हैं, और बेसिकली लोग बेसिकली अब ये जो इनिशियल एक्साइटमेंट था सोशल मीडिया का, अब हम उसके बियॉन्ड आ चुके हैं जहाँ लोग थक गए हैं सोशल मीडिया से, उनको इतना ज्यादा नहीं चाहिए. तो नाउ पीपल आर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव थिंग्स ऑफ व्हाट दे कैन एंजॉय, एंड सम ऑफ देम, सम ऑफ दोस पीपल आर लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, एंड सम ऑफ दोस पीपल एक्चुअली शट द फोन डाउन एंड रीड अ ग्राफिक नॉवल और अ बुक. हाँ, तो ओवरऑल यही सारे फॉर्म्स वगैरह हैं. हम लोग एनिमेशन में भी काम करते हैं, तो हम लोग अपनी कुछ कुछ कॉमिक्स को एनिमेट भी करते हैं. तो ओवरऑल कॉमिक्स में ये नहीं कह सकते कि ऑडियंस क्या पढ़ना चाहती है, क्योंकि वैसी कोई एक चीज है नहीं, और कॉमिक्स कम्युनिटी, यूजुअली कॉमिक्स की मार्केट कभी भी इतनी मतलब 90s के अलावा जनरली कॉमिक्स मार्केट इतनी कोई मैसिव रही नहीं कि हम एक फिंगर लगा के कह पाए ऑडियंस ये पढ़ना चाहती है. कॉमिक्स पर में ऐसा बहुत क्यों? अजीब लोग इतने हैं नहीं हमारे देश में. हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं, तो जब जो अच्छे लोग होते हैं वो अमेजोन की कमाई करवाते हैं, तो अजीबो गरीब लोग होते हैं वो अजीब अजीब चीजों की कमाई करवाते हैं. तो इनमें से अजीब चीजों में से एक चीज है कॉमिक. तो हमारे देश में बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं जो सूट टाई बांधकर
और अच्छा खाना खा के शराफत से I-20 चला के काम करने जाते और वापस आके नो अमेज़न की कमाई करवाते हैं और एक दो OTT प्लेटफॉर्म की कमाई करवाते हैं। हमें ज्यादा अजीब लोग चाहिए जिनके अजीब शौक हो। मतलब किसी को अजीब सी कॉमिक्स में शौक है, किसी को थिएटर जाने का शौक है, किसी को मुफ्त में स्टैंड अप देख देख के यूट्यूब पे उसके बजाय जाके एक्चुअली परफॉर्मेंस देखने का शौक है, किसी को गांजा फूकने का शौक है, किसी को सेक्स में अजीब सा BDSM सेक्स करने का शौक है। तो ऐसे थोड़े अजीब लोग चाहिए हमको ज्यादा। लोग या तो अजीब नहीं है या अपनी अजीबपने को दबा के रखते हैं अंदर, तो वो लोग किसी के काम के नहीं है। वो लोग सिर्फ अमेज़न की कमाई करवाते हैं और जो भी ये मेजर मास सर्विसेज होती है उनकी कमाई करवाते हैं। कार भी खरीदने जाते हैं तो मारुति सुजुकी की लेंगे क्योंकि सेकेंड हैंड रेट अच्छा मिल जाएगा। तो कभी कोई यूनिक कार बनाने बैठेगा तो उसकी कमाई तो आई डोंट थिंक कभी कराने वाले हो। तो हाँ, जितने अजीब लोग जिनके शौक हैं, शौकीन लोग, जो अजीब लोग हैं, जो अजीबोगरीब चीजों पे अपने पैसे बर्बाद करें, ऐसे लोग चाहिए। लेकिन सुमित, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कॉमिक्स को भी थोड़ा मेन स्ट्रीम होने की जरूरत है, या आप भी कोशिश कर रहे हैं बकर मैक्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, मास कंजम्पशन हो बकर मैक्स का, और सिर्फ अजीब लोग ही ना पढ़े, हर कोई पढ़े? तो बेसिकली वो बात तो आपकी ठीक है और वो एक्चुअली बहुत सारे कॉमिक्स में जो लोग काम करते हैं वो समझते नहीं है, क्योंकि आप उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने वही कॉमिक्स पढ़ी हैं जो गोरो ने बनाई है, तो उनका दिमाग क्या करता है कि मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा। तो वो कॉमिक जब बनाते हैं, आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी कॉमिक्स आप उठा के देखोगे, वो बाय डिफॉल्ट पहले बनाता है इंग्लिश में बनाना शुरू कर देता है। वो कभी सोचता ही नहीं मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरी खुद की स्टोरी क्या है। वो पहला बाय डिफॉल्ट जो पहली बनाएगा इंग्लिश में बनाएगा। तो उस अटेम्प्ट में क्या करता है, उसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर देता है। तो जो बन के आता है वो नॉर्मल इंसान को कहाँ उसमें कोई मजा आने वाला है। तो कभी कभार हो सकता है बहुत स्पेक्टेक्युलर चीज भी बन जाए। कई बार होता है बहुत सारे राइटर्स आर्टिस्ट हैं जो सोचते ही इंग्लिश में, तो उनको भी जबरदस्ती लोकल लैंग्वेजेस में करने की जरूरत नहीं है, या उसको जबरदस्ती मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वो सब करने की जरूरत नहीं है। मेन है ऑनेस्टली जो आप हो वो स्टोरी बताओ, जिसको पढ़नी होगी वो पढ़ेगा। तो बात तो आप ठीक कह रहे हो, मतलब सारा ओनस एंड में ओनस क्रिएटर पे आता, ऑडियंस पे कभी ओनस नहीं है। ऐसा नहीं है ऑडियंस 20 लाख का बोरा उठा के लाएगी और बोलेगी मैं 20 लाख देने को तैयार हूं तो मैं काम करना शुरू करूं, ऐसा नहीं। मेरे को जरूरत है काम करने की, कि मैं इतनी मेहनत करूं और मैं इतनी अच्छी स्टोरीज बनाऊं या बताऊं कि आप में वो एक्साइटमेंट जागे कि मैं हाँ ये चीज के लिए पैसे दूंगा या मैं ये चीज को ये चीज मुझे पसंद आई। तो वो एक्साइटमेंट क्रिएट करना मेरा काम, और अपरेंटली मैं अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। और आई गेस मेरे साथ के जितने पीयर्स हैं उनको भी मेहनत करने की जरूरत है, और उनमें से काफी लोग कर भी रहे हैं। बट स्टोरी कहानी जो है वो बहुत हमेशा एक ट्रिकी चीज है। इतने सालों से, इतनी टाइम से ह्यूमैनिटी में हम कहानियां बता रहे हैं और फिर भी बहुत कम है जो जो वैसी है जो हमेशा याद रखी जाएंगी। तो कहानी लिखना, कहानी बताना बहुत एक मुश्किल क्राफ्ट है, जिसको कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं उसमें, कुछ लोग तो इसमें बहुत सारे वियर्ड मिक्सेस हैं जिससे कहानी बनती है। तो मेरा बिलीफ है कि अटेम्प्ट करना इज गुड, एंड आई थिंक वही कर रहा हूं मैं, कि वी कीप ट्राइंग। तो कॉमिक्स एज अ मीडियम कुछ अलग डायमेंशंस प्रोवाइड करता है स्टोरी टेलिंग के लिए, कि जो चीज़ आप ऐसे यूजुअली नहीं बता पाते कॉमिक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बता पाते। जैसे एनिमे फिल्म्स में हम देखते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं दिखाने के लिए, तो कॉमिक्स में क्या होता है, ऐसा कुछ क्या चीज़ें हैं जो और एक्सप्लोर करी जा सकती है स्टोरी टेलिंग को और ज़्यादा कंपेलिंग बनाने के लिए?
तो कॉमिक्स जब यूजुअली लोग सोचते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि कॉमिक्स में हमें एक सीन ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, एक पैनल होगा उसके अंदर सीन ड्रॉ करना पड़ेगा। बट वो है कि अगर हम सोच रहे हैं ऑडियंस स्क्रीन को देख रही है, अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचें, तो अगर ऑडियंस स्क्रीन को देख रही है तो फॉर एग्जांपल आप मेरे को देख रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ और पीछे एक बैकग्राउंड दिख रहा है और यहाँ एक स्पीच बबल होगा जिस पर मैं जो बोल रहा हूँ वो आएगा। मोस्टली लोग कॉमिक्स को इस फॉर्म में सोचते हैं, पर दिस इज द क्लोजेस्ट टू फिल्म फॉर्म ऑफ कॉमिक्स। कॉमिक्स का एक दूसरा फॉर्म है विच इज कॉमिक्स क्लोजर टू इलस्ट्रेटेड बुक्स, राइट, या क्लोजर टू इन्फोग्राफिक्स, राइट, या क्लोजर टू अ वेरी वियर्ड स्पेस जहां जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं हवा में उड़ता हुआ, ऐसे हवा में उड़ रहा हूँ पीछे से, और मेरे में यहाँ कुछ भी हजार डायलॉग आ रहे हैं, पीछे से एक ट्रेन उड़ती हुई आ रही है, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये वो एक दूसरा एंड है इसी का, विजुअल इमेजिनेशन का। तो इन दो एंड्स के बीच में बहुत कुछ कर सकते हो कॉमिक्स। तो कॉमिक्स इस मामले में बहुत ओपन स्पेस है कि अगर आपकी, इफ यू वांट टू रियली हैव फन विद योर इमेजिनेशन, तो कॉमिक्स बहुत अच्छा और ओपन स्पेस है टू डू विजुअल थिंकिंग, कि आप कोई चीज जो आपके दिमाग में एक थॉट है उसको एक फिजिकल विजुअल फॉर्म दे सकते हो आप, एंड इट कैन बी क्लोजर टू फिल्म, इट कैन क्लोजर टू दिस एब्स्ट्रैक्ट स्पेस आल्सो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बकर मैक्स की जो कॉमिक्स है वो स्टोरी टेलिंग क्वालिटी और पंक्चुअलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे डिफरेंट है बाकी के कॉमिक्स स्टूडियोज से? कॉमिक्स बकर मैक्स की आई थिंक बहुत, बकर मैक्स ने बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से कॉमिक्स के लेवल को नीचे लेकर आया, जहाँ मतलब बहुत एवरेज कॉमिक्स जो बकर मैक्स की है, तो बेसिकली बकर मैक्स ने बाकी सबके लिए लाइफ बहुत इजी कर ली है, क्योंकि बकर मैक्स की कॉमिक्स बहुत ही दो कौड़ी की है। तो उससे क्या होता है कि हम लेवल को इतना नीचे ले आए हैं कि बाकियों के लिए सक्सेसफुल होना इजी हो गया। तो रादर देन हम अच्छी कॉमिक्स बनाते हैं तो क्या होता कि सब लोग कंपीट नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने जानबूझ के बहुत लो क्लास घटिया कॉमिक्स बनाई हैं ताकि बाकी सबके लिए सक्सेस इजी हो जाए। मतलब वी हैव मेड बैडली ड्रॉन कॉमिक्स। तो हाँ, बकर मैक्स की कॉमिक्स उस मामले में बहुत खराब, घटिया और बकवास है कि आप देख के बोलोगे यार इससे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ, और उसी मोमेंट पे आप ट्रैप हो जाओगे क्योंकि आप भी फिर कॉमिक्स बनाने के बारे में सोचोगे। रिलेटेबिलिटी रिलेटिविटी, एवरेजबिलिटी। जब ऑल राइट एक नया टर्म सीखने को मिला, तो कॉमिक कॉन इंडिया अवार्ड 2019 और 18 मिलने के बाद कैसा रहा जर्नी, एंड अपने कुछ इंस्पिरेशन के बारे में बताइए जो अवार्ड विनिंग वर्क्स रहे हैं? तो पहला तो अवार्ड मिलना किसको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत ऑफ अच्छा लगा, कोर्स राइट। दूसरी चीज ये है कि मैं उस टीम में था जिसने कॉमिक कॉन इंडिया को स्टार्ट किया था, तो मेरे बॉस से हुआ, हम 8-9 लोग थे जिन्होंने कॉमिक कॉन इंडिया स्टार्ट किया था। तो उसके बाद आफ्टर ऑल दिस टाइम उसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने काम को एक रिवॉर्ड मिलना, आई थिंक इट साउंड्स वेरी स्कैमिश, के इट्स लाइक रिलायंस से नरेंद्र मोदी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिल रहा हो, तो इट साउंड्स लाइक दैट। बट इट्स एन अवार्ड नंदलेस, एंड मेरी और कॉमिक कॉन इंडिया के फाउंडर के बीच में बहुत बहस, लड़ाई भी हो रखी है, तो मुझे पता है कि वो अवार्ड बहुत फेयर वैल्यू पे मिला है। तो और वही मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंट था अजीब लोग वाला, और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने वाला या अपने शौक को परस्यू करने वाला, वो पॉइंट इसलिए ट्रू है क्योंकि उन चीजों की वजह से छोटी छोटी चीज में भी बहुत चीजें बनती है। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव दैट कॉमिक कॉन इंडिया अवार्ड टुडे क्योंकि किसी को शौक है एक ऐसे इवेंट को करने
का या कैसे इवेंट के अवार्ड को करने का, तो वैसे और कोई अवार्ड खास कॉमिक्स में है नहीं, तो जो अकेला अवार्ड है वो मिल रहा है तो हाँ, मतलब यू फील लाइक योर वर्क इज प्रेज्ड। उसके अलावा सेकंड हाफ क्या था आपके क्वेश्चन का? जो जिन वर्क्स के लिए आपको अवार्ड मिला है उनके बारे में बताइए। तो एक्चुअली जिन वर्क्स को मिला है, इट इज द बेस्ट इंडियन वेब कॉमिक अवार्ड, तो इट इज गिवन टू ऑल ऑफ अकर मैक्स। तो एज समबडी हु राइट्स बुक्स, आई नो कि एक बुक को लिखना आसान काम नहीं है। बुक लिखना इज लाइक, अगर आप कभी लाइफ में आप डिसाइड करो बुक लिखना, तो आई वुड रिकमेंड यू वेरी हार्ड नॉट टू, राइट? अच्छा क्योंकि किताब लिखना इज लाइक आपने अपने आप को एक जेल सेंटेंस दे दी कि आपको रोज बैठ के इतने पेजेस रोज लिखने, राइट? वरना वो खत्म नहीं हो। तो एक पॉइंट के बाद शुरू में सिर्फ 2 महीने एक्साइटमेंट रहेगा, उसके बाद ऐसे लगेगा कि आप जेल में हो और आपको उस जेल में रहना है, साल, 1 साल, 1.5 साल रहना है आपको उस जेल में। तो अब आप सोचो ग्राफिक नॉवल बनाने के बारे में, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप पहले तो लिख भी रहे हो टेक्स्ट में, फिर आपको उसको ड्रॉ भी करना है, फिर आपको उसको ब्लैक इंक से इंक भी करना है, फिर आपको उसको कलर भी करना है। तो 4 टाइम्स आपको वही जेल 4 बार काटनी है, ठीक है? तो मैं अब तक 3 ग्राफिक नॉवेल्स लिख चुका हूँ, ठीक है? तो मैं, मुझे उस जेल की आदत है, ठीक है? इन सम वे ही अभी अमेरिकन जेल के कपड़े भी आई थिंक मेंटली उसी का पैसिव रिएक्शन है। मुझे उस जेल की आदत है। अब बकर मैक्स क्या है? बकर मैक्स इज इन माय माइंड इन सम वेज इज इट्स अ वेब कॉमिक, सो इट्स नेवर गोइंग टू हैव एन एंड, राइट? एवरी वीक आई मेक अ न्यू कॉमिक, सो इट्स दैट सेम जेल सेंटेंस, बट इट्स नेवर एंडिंग। तो आई थिंक ऑफ दिस एज अ बुक व्हिच डजंट हैव एन एंड व्हिच आई एम राइटिंग, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ वेब कॉमिक, इट्स ऑल्सो अ स्मॉल टीम एंड ऑल ऑफ अस हैव आर बेसिक, यू नो, डे टू डे। आप भी नौकरी करते हो तो डे टू डे जो सिरदर्दियां हैं वो सब हैं। तो ये वर्क है जिसके लिए वो अवार्ड मिला है, ऑफ राइटिंग दिस नेवर एंडिंग। वाह। तो सुमित, मेरी सुई अभी भी वहीं पे अटकी हुई है कि जापान और कोरिया में देखता हूँ कि बड़े बड़े लोग भी एनिमे देख रहे होते हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया कि कुछ लोग अजीब होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? तो पहला अजीब तो होने ये, को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अजीब से ज्यादा मैं उनमें जिनको शौक है किसी चीज का लाइफ में, जो मतलब एक होता ना दाल चावल के आगे जाना, और उसमें जरूरी नहीं होता कि हमेशा के पैसा उसका फैक्टर नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे जिनके पास बहुत पैसे हैं फिर भी कोई शौक नहीं है, राइट? या जैसे आप जिस वॉलपेपर बैकग्राउंड के आगे बैठे, अब इस वॉलपेपर बैकग्राउंड को लगाते वक्त क्या किसी ने सोचा कुछ, या बस ऑफिस पूरा करना था तो लगा दिया, राइट? तो उस लेवल पे सोचना कि छोटी से छोटी चीज पे जब आप कोई थोड़ा दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा अपने शौक के बारे में सोचते हो, तो मतलब मैंने देखा है लोग जिनके पास बहुत कम पैसा है फिर भी वो अपने शौक में थोड़ा पैसा लगाते हैं, और कुछ लोग जिनके पास बहुत पैसा है फिर भी कोई शौक नहीं है लाइफ में, राइट? तो उसका ही एक एंड प्रोडक्ट है कि उन जैसे लोगों की वजह से मेरे जैसे लोगों के पास आज एक करियर है। नाउ अब इसका मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूं आपको, वो है 2 रीजंस। तो पहला, एक ये नैरेटिव है कि जापान में बहुत पैसा है कॉमिक्स में, राइट? या अमेरिका में बहुत पैसा है कॉमिक्स में, कि अमेरिका आप जाओगे, सुबह उठोगे, कॉमिक ऐसे पकड़ोगे और लोग गड्डिया फेंक रहे होंगे आप पे, तो वो बहुत गलत मिसकंसेप्शन। अभी यहाँ जो मिजरी है
या जहां जो भी सिचुएशन है इंडस्ट्री की, जितने रीडर्स एंड जितने क्रिएटर्स, उसी फॉर्म फैक्टर का एक बड़ा वर्जन है। सो कॉमिक्स में रूल ऑफ थंब ये है कि इट्स ऑलवेज अ डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन। एनिमेशन इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन। वहां ओनली द बिजनेस इज बिगर, पीपल दे आर इनफ बैड स्टोरीज बींग रिटन एंड मेड देयर, इनफ पीपल हु ऑल्सो डोंट रीड दैट स्टफ। तो वट हैपन्स इज बचपन से यू बीन एंड आई हैव बीन टोल्ड सो मच, इंडिया में तो ये नहीं होता, इंडिया में तो वो नहीं होता, इंडिया में तो ये नहीं होता। मतलब बचपन से आई थिंक दिन में 4 बार सुनता था मैं, इंडिया में ये नहीं होता, इंडिया में वो नहीं होता, इंडिया में तो ये हो नहीं सकता, इंडिया में तो वो नहीं होता। तो क्या होता है, माइंड ट्रेन हो जाता है कॉन्स्टेंटली इसी ऑप्टिक से देखने के लिए कि यहाँ नहीं होता बाकी हर जगह होता है। मतलब कोई भी चीज शुरू करने से पहले ही माइंड एज ए डिप्रेस्ड ऑप्टिक्स में पहुंच जाता है कि यहां तो होगा ही नहीं, बाकी सब जगह हो जाएगा। तो एक होता है ना, कुछ चीजें करने के लिए थोड़ी बहादुरी चाहिए होती है, वो बहादुरी को ही मार देते हैं बचपन में ही, मार देते हैं बोल बोल के, इंडिया में ये नहीं होता, इंडिया में वो नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। तो आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट टू यू लाइक एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो, कि वो ऑप्टिक्स निकाल के लुक एट, मतलब वो ऑप्टिक्स एक बार आप निकालोगे एंड यू विल सी लाइफ इज वेरी एक्साइटिंग। मतलब चीजें बनाना बहुत एक्साइटिंग है, लोग देखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग चीजें, इमेजिनेशन को फ्री छोड़ना बहुत एक्साइटिंग है, बढ़िया अच्छी स्टोरीज लिखना बहुत एक्साइटिंग, और लोग हैं जो खरीदते हैं, लोग हैं जो पढ़ते हैं। मैं 15 साल से ये कर रहा हूँ, मैं लिटरली रोज खाना खाता हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं आई हैव अ फुल फैमिली एंड आई कैन सपोर्ट इट डूइंग व्हाट आई डू। मतलब इस देश में हो सकता है, पॉसिबल है, लोग करते हैं। तो जो जिस ऑप्टिक्स पे आप स्टक हो ना, वो ऑप्टिक्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेंटली बीइंग फेड दैट डे एंड नाइट, यहाँ ये नहीं होता, यहाँ वो नहीं होता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज नॉट अ, आई ऑल्सो सफर फ्रॉम दैट ऑप्टिक्स। मैंने भी बहुत सफर किया और अभी भी मेरे भी दिमाग से पूरे तरीके से नहीं निकला है। बट आई हैव सीन के बहुत बार वी जस्ट डोंट टेक दैट शॉट जस्ट बिकॉज वी दिस ऑप्टिक्स, यू नो, जो हमारे दिमाग में, हमारी भी गलती नहीं है, इट्स कॉलोनियल माइंडसेट, अंग्रेजों ने ट्रेन ही किया हमको कि हम तो इन्फीरियर हैं। तो आप वो अटेम्प्ट भी नहीं करते, तो जितने लोगों की आप बात कर रहे हो जो जॉब्स में फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, उनसे निकलना इतना तो मुश्किल नहीं है। आई अंडरस्टैंड सरकमस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, बट हम सरकमस्टेंसेस को वी एज्यूम दैट इज फार वर्स देन दे आर, राइट? देर आर इनफ पीपल आउट देयर हु विल गेट 3 टाइम्स अ मील मिल जाएगा उनको, वो फिर भी रिस्क नहीं लेते। आगे से किसी को भी नहीं कहना कि जापान में तो बहुत माल कमा रहे हैं लोग, अमेरिका में बहुत बहुत चल रहा है, ये है वो है, वो वहां बस उस, वो फॉर्म फैक्टर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है, मैसिवली बड़ा है, बट तब भी बहुत सारे लोगों में बहुत कम जो है वो टॉप तक पहुंचते हैं। वो हर जगह क्रिएटिव प्रोफेशन का ट्रूथ है, राइट? और यहाँ काफी लोग हैं, आप हिम्मत करोगे, कुछ अच्छा बनाओगे तो लोग देखेंगे, लोग पढ़ेंगे। तो एक ओवरऑल एज्यूम्ड पेसिमिस्टिक इमेज ऑफ द वर्ल्ड जो है, उसको आई थिंक आज ही आप अनसब्सक्राइब कर दो लाइफ से। श्योर। तो सुमित ये बताइए कि बकर मैक्स की कॉमिक्स प्रिंट में भी आती हैं और ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो कैसे डिसाइड करते हो कि किनको प्रिंट करना है और किनको नहीं करना है? मोस्टली तो यार वी डिसाइड अकॉर्डिंग टू, एक तो बुक बनने के लिए स्टोरी हैज टू बी बिग इनफ। तो पहला तो कि इट्स बिग इनफ टू बी अ बुक। उसके बाद दूसरा मेरिट होता है कि उसको कितने लोगों ने पसंद किया। तो इसीलिए ऑनलाइन पे पब्लिश करने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस कॉमिक को कितने लोग पसंद करते हैं, और बहुत लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको जब हम प्रिंट में भी लेकर आएंगे तो और लोग तक पहुंचेगी, वो तो यही पैरामीटर होता है। तो रिसेप्शन में कुछ डिफरेंस होता है जब कॉमिक्स ऑनलाइन होती है या जब प्रिंट में होती है? तो नहीं, मतलब वो जो ऑनलाइन है दैट ओनली सपोर्ट सेलिंग, क्योंकि अगर किसी ने ऑनलाइन पसंद किया तो वो अपनी कलेक्शन के लिए भी खरीद लेते हैं, और मतलब
मतलब बेसिकली इट्स बाइंग आफ्टर रीडिंग दैट लॉट ऑफ पीपल डू। सुमित, बकरमैक्स वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है वर्कशॉप्स में, कहाँ पे कंडक्ट होते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए? हमारी कॉमिक्स एंड कार्टूनिंग वर्कशॉप्स जो हैं वो बेसिकली आर बिगिनर वर्कशॉप्स, तो दे आर फॉर पीपल जिन्होंने पहले कभी ड्रॉ नहीं किया या बचपन में ड्रॉ करते थे, उनको एक कॉमिक से इंट्रोडक्शन मिलता है उसमें। और ये हम हर जगह कंडक्ट करते हैं, हमने ऑफिसेज में कंडक्ट किया है, कॉलेजेस में कंडक्ट किया है, हमने DU के कॉलेजेस में कंडक्ट किया, हमने IITs में कंडक्ट किया है, हमने डिज़ाइन कॉलेजेस में कंडक्ट किया है, कैफेज में कंडक्ट किया है। तो ये वर्कशॉप्स हम बहुत करते हैं, कोविड के टाइम पे हमने ऑनलाइन की थी। तो जब भी हम कंडक्ट करते हैं तो हम लोग अपने सोशल्स वगैरह पे उसको डालते हैं, तो आई थिंक आप अगर सोशल वगैरह बकर मैक्स के जो भी फॉलो करता है उनको पता चल जाएगा कब वर्कशॉप हो रही है नेक्स्ट। या फिर कई बार क्या होता है सोशल मीडिया बिकॉज बहुत बायस्ड मीडियम है तो अब तक बहुत कम इंफॉर्मेशन पहुंचती है देन व्हाट वी विल पुट आउट, तो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू बकर मैक्स का सबस्टैक। तो वहां से ये होता है जब भी कुछ नया हो रहा है तो एक ईमेल जाता है, तो ईमेल फॉर श्योर आपके इनबॉक्स में आएगा ही है। सुमित, आपने बताया कि जो आपकी टीम है उनका कोई ऑफिस नहीं है पहली चीज, और सब रिमोट वर्क कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं अपने आप टीम मेंबर्स में उनको इंक्लूड करने से पहले? आई थिंक मैं तो मोस्टली देखता हूँ कि मतलब पहले तो यही है कि अपना काम आना चाहिए बंदे को, तो वट एवर दे आर क्लेमिंग दे कैन डू अगर वो करते हैं। और दूसरी एक ट्रेट मैं देखता हूँ विच आई कॉल्ड हम्बल वियर्डो, कि ह्यूमिलिटी हो, बदतमीजी ना हो, और हाँ इंसान में उतना अमाउंट ऑफ वियर्डनेस हो कि कुछ नया ट्राई करने का एक जिसे कहते हैं पैशन हो। वही द आई थिंक दाल चावल टाइप इंसान को अवॉइड करते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, जिसको बस नोट कमाना है उन या फिर बिल्कुल ही ऐसे लाइन में ही चलना है, तो उन लोग के लिए बहुत नौकरी है, उन लोग को हमारी जरूरत नहीं। सुमित, आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आपने कहा कि आप एक एवरेज इंसान हो, ठीक है, लेकिन अभी आप बात कर रहे हो दाल चावल वाले लोगों की। बट यहाँ पे मुझे कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि आप एवरेज तो नहीं हो। हाँ, मैं हिपोक्रेट हूँ, लेट्स सेटल एट दैट। आई सही थिंक उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। या एनीवे, तो कुछ चैलेंजेस जरूर आए होंगे इस जर्नी में, बकर मैक्स बहुत की जर्नी में, हाँ बताइए उनके हाँ बारे में बताइए। रोज ही आए जा रहे हैं यार जब से ये जर्नी स्टार्ट की है, बिकॉज इसमें रोज सुबह उठ के सोचना है कि आज करियर की गाड़ी को या अब एज अ होल स्टूडियो गाड़ी को किस तरफ मोड़ना है जहाँ और बेटर होगा, तो उसको आपको कंपेयर करना है। तो ऐसे सोचो रोज उठ के कैलॉग्स की तरह ऐसे एक बाउल ऑफ टट्टी को यम यम करते हुए खाना है रोज, और पूरा बाउल खाना खाली दिखना चाहिए। तो जब वो आप रोज 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 करते हो तो एक पॉइंट के बाद वो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा नजर नहीं आती क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। तो आई वुड से कि मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल जब शुरू किया था तो शुरू में प्रॉब्लम्स वैसी थी जैसे एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, राइट? लगता था यहाँ कौन पढ़ता है ये सब, यहाँ कौन देखेगा, यहाँ कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ से आएगा, क्या होगा, ये होगा, अमेरिका में इतना अच्छा क्यों है यहाँ, तो वो सारे नोशंस जो थे, थॉट्स थे, वो सब थे। बट ओवर टाइम धीरे धीरे काम कर करके वही है, जब एक बार वो पंगा लेने की आदत जब पड़ी जाती है तो फिर पड़ जाती है, तो फिर वो हाँ रोज सुबह उठ के आप जो भी है यू हैव टू नो दैट यू हैव टू फिगर आउट अ सोल्यूशन एंड यू ऑल्सो लर्न दैट
if you solve enough problems, if you try hard enough, maybe it will not work out today, it will work out tomorrow. If not tomorrow, 1 week later, but it will work out. शार्क टैंक में आपकी पिच वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पिचेस में से एक थी, तो उसमें आप बताते हैं कि फ्यूचर में ये है, आप मार्स पे प्लॉट लेना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है उस बात में, क्या है फ्यूचर, क्या चाहता है बकर मैक्स? एब्सोल्यूट ट्रूथ है, मैं चाहता हूं कि बकर मैक्स एक बहुत बड़ी कंपनी बने और अमेज़न को ओवरटेक करे, डिज्नी को खरीद ले. और हाँ, मैं चाहता हूं मैं मार्स पे जाऊं, बट अंदर का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत एवरेज इंसान चाहता है वहां जाके भी 2 BHK ले. तो वहां भी जाके गरीबी जो है वो दिमाग में ऐसे भरी हुई है कि वहां जाके भी बंगले की हिम्मत नहीं हो रही, वहां जाके भी आई थिंक 2 BHK तक लिमिट है. तो हाँ, वो सारा कुछ सच है, मतलब वो पूरा एम्बिशन उतना ही बड़ा है. ऑल राइट सुमित, समय की कमी है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बातें और करनी थी, बहुत सारी बातें करनी थी, और अगेन थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए अभी पोथी के लिए, योर एंड वेलकम. बेस्ट ऑफ लक अगेन, एंड बहुत सारे लोग बकर मैक्स पढ़े, बकर करे टू द मैक्स लेवल, एंड थैंक यू सो मच।